मेन चीज़ें हैं कि कोरोना से हम संक्रमण से कैसे बच सकते हैं, हाथों की स्वच्छता कैसे रख सकते हैं, परिसर की स्वच्छता कैसे रख सकते हैं। लेकिन है तो नॉर्मल पानी, सिंक और आपका हैंड वॉश जो सोप है, लिक्विड सोप, वो आपके पास अवेलेबल होगा। हैंड सैनिटाइजर अपना प्लेस करके रखेंगे ताकि अगर एट अ टाइम आपके 5 लोग अगर वर्कआउट कर रहे हैं और मशीन को चेंज कर रहे हैं अपनी पोजीशन, तो जब के साफ स्वच्छता इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है, सोशल डिस्टेंसिंग इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है। देन कर रहे हैं या उसको कैसे करेक्ट करना है, लेकिन जो लोग वहाँ पर जिम में प्रैक्टिस कर रहे हैं वो एक दूसरे के इक्विपमेंट में काम हो जाए उसको हम रोकने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो जो भी लोग अलग अलग इक्विपमेंट पर काम कर रहे हैं, एट अ टाइम एक इक्विपमेंट पर एक बंदा काम करेगा, एक वर्कआउट करेगा, वो लोग एक दूसरे के वर्कआउट करेंगे। ऐसे चेंजिंग रूम्स होने चाहिए पुरुषों के लिए अलग और महिलाओं के लिए अलग। इसका रीज़न हमने सर या नाक से निकली हुई छींटे हैं, वो हो सकता है उसके कपड़ों पे या हाथों पे गिरी हुई, तो बाहर से जो वो कपड़े जूते पहन जोड़ा लेकर आएंगे और वर्कआउट के टाइम पे वो नया जोड़ा पहना जाएगा और वापसी के टाइम पे वो चले जाएंगे। फिर अगले 2 घंटे के स्लॉट में कितने लोग आ रहे हैं, इस तरह का पूरा टाइम टेबल आपको DYSS आपको सबमिट करना रहेगा। इस प्रपोजल के बाद DYSS भी पॉइंट्स, सारे पॉइंट्स आपको बताए जाएंगे कि क्या क्या आगे चेक किया जाएगा। जो जो चेक मतलब खुला क्वेश्चन पेपर है, वो क्वेश्चन पेपर आपके सामने है, सब उसको ऑडिट कर रहे हैं, उल्लंघन कर रहे हैं रूल्स का, तो उसमें फिर उसके अकॉर्डिंगली उस पर एक्शन किया जा सकता है। तो क्या क्या कंटेंट्स हैं उसके अंदर, पट्टी है, डोरी है, आपने कोई आयोडीन का कोई सॉल्यूशन रखा हुआ है, पैडेज रखी हुई है, जो भी उसके अंदर कंटेंट है। ज़िला सिरमौर में आज जितने हमारे जिम इंस्ट्रक्टर हैं या ट्रेनर्स हैं जो मालिक हैं, आज उनकी ट्रेनिंग रखी है। हालांकि अभी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस हैं या स्टेट गवर्नमेंट गाइडलाइंस हैं, जिम अभी अलाउड नहीं है, लेकिन इनको तैयार करने के लिए कोरोना वायरस के संक्रमण के विषय में क्या क्या इनको जानकारी होनी चाहिए, कैसे प्रिकॉशन लेना चाहिए, अपने लिए क्या जानकारियाँ रखनी है, जो व्यक्ति जिम में आएगा एंट्री से लेकर एग्जिट तक उसने क्या क्या प्रिकॉशन यूज करने हैं, कैसे एंटर करना है, कैसे उन्हें रिकॉर्ड मेंटेन करना है, उसके बारे में इनको आज जानकारी दी जा रही है। शॉप एक्ट में इनका सभी का रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी है जो नोटिफाइड एरिया है। इसके अलावा जो हमारा सेवा सेतु सिरमौर है उस पर रजिस्ट्रेशन करेंगे, जितने भी जिम ओनर्स हैं अपना प्रपोजल देंगे कि उसके जिम में कितना एरिया है, कितनी मशीनें हैं, कितने लोग आ सकते हैं। स्पोर्ट्स अफसर उसकी जांच करेंगे ताकि एक समय में जो 2 मीटर की दूरी है, मशीन की मशीन से दूरी और बंदे की बंदे से दूरी, ये कैसे मैनेज हो सकती है, कितने बंदे अलाउ हो सकते हैं, स्पोर्ट्स अफसर इंस्पेक्शन के बाद ही अलाउ करेंगे कि वो अपने जिम को चला सकता है। बिना रजिस्ट्रेशन के, बिना ट्रेनिंग कोर्स के, बिना इंस्पेक्शन के कोई जिम नहीं चलेगा। जब सरकार अनुमति देगी तो एक बार दोबारा से इनका रिफ्रेशर कोर्स स्टार्ट करके जिम एक्टिविटी हम स्टार्ट करवाएंगे।